नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको घुमाने वाले हैं सोमेश्वर मंदिर, जो कि नासिक ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर दिखाने वाले हैं कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा यहाँ पर की जाती है और आराधना की जाती है। तो आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक और जानिए यहाँ के बारे में। सोमेश्वर मंदिर गोदावरी नदी के तट पर भगवान शिव और भगवान हनुमान जी का मंदिर है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और भगवान राम जी और मैया सीता जी का भी मंदिर है, जो राम और जानकी मंदिर के नाम से यहाँ पर स्थित है। और अभी हम आपको लक्ष्मी जी और नारायण जी से मिलाने लेकर जाते हैं। यह मंदिर लक्ष्मी जी और नारायण जी को समर्पित है। आप देख सकते हैं नारायण जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति यहाँ पर कितनी प्यारी बनाई गई हुई है। और अभी आप जिनको देखने वाले हैं वो हैं भगवान राम, लक्ष्मण और मैया सीता जी। तो देखिए कितनी प्यारी मूर्ति बनाई गई है यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और मैया सीता जी की। यह मंदिर यहाँ पर राम और जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी हम बाहर की तरफ आ रहे हैं तो हम आपको मंदिर के ऊपर लिखा हुआ दिखाते हैं कि इस मंदिर का नाम एक्चुअली में है क्या। तो अभी आप खुद देख सकते हैं इस मंदिर का नाम राम जानकी मंदिर था। तो अभी हम लेकर चलते हैं आपको भगवान हनुमान जी के पास में। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यह मंदिर भगवान हनुमान और शिव जी को समर्पित है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं हनुमान जी के मंदिर में। देखिए और मिलिए बजरंग बली से। बोल बजरंग बली की जय। भगवान हनुमान जी से मिलवाने के बाद आपको लेकर चलते हैं सोमेश्वर मंदिर, जो यहाँ का मुख्य और मेन मंदिर है। यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं आपको अपने भगवान भोलेनाथ जी से और भगवान शिव से। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान शिव के बहुत ही नाम है, यहाँ पर अनेक नाम है, अनेक नामों भगवान शिव जी जाने जाते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो उसमें से ही एक नाम दिया गया हुआ है सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर महाराज जी। तो यहाँ पर भी भगवान शिव जी की पूजा होती है और यहाँ पर भी नंदी बाबा बने हुए हैं। तो अभी यहाँ पर थोड़ा लाइन लगाना पड़ा हमें और अभी हम आपको मिलवाते हैं सीधे भगवान महादेव से। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर शंभु। दोस्तों अभी हमने आपको महादेव जी से मिलवा दिया है। यहाँ पर सोमेश्वर नाथ जी से हमने आपको मिलवा दिया। अभी हम आपको मंदिर के बाहर का दृश्य दिखाते हैं और यहाँ पर बता दें कि बहुत ही अच्छी और पसंदीदा जगह है, जहाँ पर आप देखकर बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएंगे। हम आपको बता देते हैं कि जो ये मंदिर है, जो ये मंदिर का परिसर है, ये अपने सुखद जलवायु के साथ साथ हरियाली और आच्छादित के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ में सोमेश्वर मंदिर में कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है और ये जगह फिल्मों की शूटिंग के लिए पसंदीदा स्थान भी है। और इस मंदिर के साथ में जुड़ा हुआ एक सोमेश्वर नौका विहार भी है, जो कि सोमेश्वर मंदिर के परिसर में ही आता है, जहाँ पर हम बहुत सारे नाव देखेंगे और यहाँ पर हम नावों में जाकर अच्छे से आराम भी कर सकते हैं और पानी में नाव चला भी सकते हैं। तो चलिए अभी आपको लेकर चलते हैं सोमेश्वर नौका विहार की तरफ और दिखाते हैं वहाँ पर कितनी सारी नाव है और वहाँ का वातावरण कितना हरा भरा हुआ है। नौका विहार की तरफ ले जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो ये जगह नासिक बस स्टैंड से केवल 6 किलोमीटर दूर है। तो आप आराम से यहाँ पर बस से भी आ सकते हैं और आराम से कोई भी टैक्सी पकड़ कर आ सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य सेंटर से, नासिक का जो मुख्य सेंटर है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। अभी आप यहाँ की हरियाली देख सकते हैं, कितना अच्छा दिख रहा है देखने में। यह सीन बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यह सीन देखने में। और अगर आप यहाँ पर बाय एयर आना चाहते हैं तो नासिक एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ पर आप यहाँ पर आ सकते हैं बाय प्लेन, देन उसके बाद आप बस पकड़ कर यहाँ पर आ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं यह नदी कितनी हरी भरी लग रही है और यहाँ का पानी कितना साफ है। इसके साथ साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी नाव खड़ी हुई हैं, जिसपे हम यहाँ पर नौका का आनंद ले सकते हैं, नाव चला सकते हैं पानी में। और उसके साथ साथ मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये हमारा वीडियो यहीं पर स्टॉप होता है। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अब आपको मिलते हैं नासिक यात्रा की नेक्स्ट वीडियो में।